हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो में मेरे पास आप सभी के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है रिलेटेड टू इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अपनी पहली न्यूज है स्नैक्स को लेकर। तो गाइस, स्नैक्स ने बताया कि वो व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं और साथ के साथ उनकी तरफ से भी एक अनाउंसमेंट आने वाली है। तो लेट्स देखते हैं कि स्नैक्स की तरफ से अपन को क्या कुछ अनाउंसमेंट्स देखने को मिलती है। न्यूज गाइस XTZ स्पोर्ट्स को लेकर। तो गाइस, XTZ स्पोर्ट्स ने गाइस अपना वैलोरेंट का लाइनअप डिसबैंड कर दिया है। अपनी अगली न्यूज गाइस वॉर मैनिया को लेकर। तो गाइस, वॉर मैनिया ने अंडरडॉग्स के लिए एक PUBG मोबाइल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसका विनिंग प्राइस पूल है 20,000। अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप वॉर मैनिया के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पढ़ सकते हो। अगली न्यूज है CSGO को लेके। तो गाइस, अगर आप एक गेमर हो तो आपने इस गेम को जरूर खेला होगा। तो गाइस, CSGO पाया गया है गाइस एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर। तो गाइस, अभी ये गेम सिर्फ बीटा टेस्टिंग के लिए अवेलेबल है, वो भी सिर्फ थाईलैंड के अंदर। तो देखते हैं कि इंडिया के अंदर ये गेम कब तक आता है। तो देखते हैं जब CSGO गेम मोबाइल के लिए आएगा तो क्या ये वैसे ही आउटपुट डिलीवर कर पाएगा जैसे PC के लिए कर पाता है। अगली न्यूज गाइस नोवा किंग को लेके। तो गाइस, नोवा किंग ने बताया कि 0 से लेके 500 के जर्नी के ऊपर वो एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो लेट्स सी कि नोवा किंग की क्या जर्नी अपन सभी को देखने को मिलती है। अपनी अगली न्यूज आई गाइस रौनक को लेके। तो रौनक ने बताया कि उन्होंने अपने चैनल के लिए कुछ स्पेशल सोचा है, बस वो थोड़ा उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा, वो उस चीज के बारे में अनाउंसमेंट कर देंगे। अपनी अगली न्यूज गाइस मावी को लेके। तो गाइस, मावी की ई-स्पोर्ट्स अर्निंग की एक रिपोर्ट आई है जिसको मेरे मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि मावी ने ई-स्पोर्ट्स से $35,000 अर्न किए हैं। अगली न्यूज गाइस मॉडल स्काउट रिगल्टॉस K18 और थक को लेके। तो ये पांचों के पांचों गाइस कुछ शूट कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि इन सब की तरफ से हमको क्या कुछ अनाउंसमेंट्स देखने को मिलती है। अपनी अगली न्यूज गाइस गोल्डी भाई को लेके। तो गाइस, गोल्डी भाई ने ट्विटर पे ट्वीट किया और उन्होंने ऐसा लिखा था कि SA12 2.0 विल बी बिगर। इसी पे स्काउट गाइस रिएक्ट करते हुए ये बोलते हैं विल, और गाइस इसका स्काउट आजकल SA12 के भी साथ बहुत सारे शूट्स कर रहे हैं। तो गाइस, हो सकता है कि जो स्काउट है वो एज अ कंटेंट क्रिएटर SA12 को ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, देखते हैं कि SA12 की तरफ से क्या कुछ अनाउंसमेंट्स आती है इससे रिलेटेड और स्काउट कब तक ये अनाउंस करते हैं कि वो एज अ कंटेंट क्रिएटर SA12 के साथ होने वाले हैं। अपनी अगली न्यूज गाइस क्रॉन्टन को लेके। तो गाइस, क्रॉन्टन ने बताया कि वो 24 आवर्स नॉनस्टॉप स्ट्रीम करने वाले हैं। सैटरडे या किसी संडे को वो स्ट्रीम करेंगे, बट अभी तक डेट उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया। तो लेट्स की क्रॉन्टन की तरफ से अपन को कब तक 24 आवर्स स्ट्रीम देखने को मिलती है। अपनी अगली न्यूज गाइस वो भी क्रॉन्टन को लेके। तो गाइस, क्रॉन्टन ने बात करी हस्तर के बारे में। तो क्रॉन्टन ने बोला कि जो गॉडलाइक को हस्तर ने अभी तक नहीं छोड़ा है और जो हस्तर है वो एज अ कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, इसलिए वो अब स्ट्रीमिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है और उसने ई-स्पोर्ट्स भी छोड़ दिया है। तो लेट्स सी कि गाइस हस्तर ऐसा कंटेंट क्रिएटर गॉडलाइक के अंदर काम करते हैं या फिर लीव कर देते हैं। अपने अगली न्यूज आ रही है गाइस मॉडल को लेके। तो गाइस, मॉडल ने कल इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जिसके नीचे कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि ऋषभ पंत हाय। तो गाइस, हो सकता है कि मॉडल ऋषभ पंत के साथ कुछ कोलैब अपन सभी को देखने को मिले। अपनी अगली न्यूज गाइस पबजी मोबाइल इंडिया को लेके। तो गाइस, पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं। तो गाइस, पहला अपडेट ये है कि बोला जा रहा है कि जो पबजी मोबाइल इंडिया है वो पबजी मोबाइल इंडिया के नेम से नहीं आएगा, वो किसी और नेम से आएगा। जैसे चाइना के अंदर गेम फॉर पीस है पबजी मोबाइल का, ऐसे ही इंडिया के अंदर वो और किसी नेम से आने वाला है। तो लेट्स सी कि वो किसी और नेम से आता है या नहीं। और दूसरा न्यूज़ ये है कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो PUBG मोबाइल है वो इंडिया के अंदर इस फेब के एंड में आने वाला है। अगर इस फेब के एंड में नहीं आया तो कुछ अनाउंसमेंट्स तो आने वाली है ऑफिशियल्स की तरफ से। और ओशन शर्मा ने भी गारंटी की थी कि आने वाले 2-3 हफ्ते के अंदर कुछ अनाउंसमेंट्स आने वाली है। तो गाइस, देखते हैं कि सब कुछ ये होता है या नहीं। और सभी को क्या लगता है कि कुछ इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आएगी या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़। में उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स। तो गाइस, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।